हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवूज किचन। शिवूज किचन में आज हम बनाने वाले हैं मैंगो सेवई कस्टर्ड। तो मैंगो सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले ले लिए हैं मैंने दो आम। मैं इन आमों को अच्छी तरह से वॉश करूंगी, वॉश करके इनको छीलकर मुझे इनकी प्योरी तैयार करनी है। तो चलिए सबसे पहले अपने आमों को छील कर काट के इनकी प्योरी तैयार करते हैं, उसके बाद रेसिपी में आगे बढ़िए। देखिए, आम को मैंने धोकर छील लिया था और छील के मैंने काट लिया है बारीक टुकड़ों में, और इसको मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में। इसको करेंगे ग्राइंड और उसके बाद एक स्मूथ सी प्योरी तैयार करेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद मैं इसे एक बार छानूंगी ताकि आम के जो भी रेशे बचे हों वो भी निकल। मैंने तैयार कर ली है और इसको मैं निकालूंगी अब किसी बर्तन में। सबसे पहले लूंगी मैं एक पैन जो कि मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और मैंने यहाँ पे ली है एक कटोरी सेवई बिल्कुल प्लेन वाले। इसको मैं करूंगी ड्राई रोस्ट, ज्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा। इसमें डालूंगी मैं अब पानी। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना ही डालना है जिसमें सेवई हमारी पक जाए। आने देते हैं एक अच्छा सा उबाल। और ये देखिए सेवई में आ चुका है अच्छा सा उबाल, ये बहुत अच्छी तरह उबल चुकी है। बस अब इससे ज्यादा इसे हमें और नहीं पकाना है, तो मैं इसे निकाल लूंगी एक और बर्तन में। दूध हमारा गुनगुना हो चुका है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा दूध निकालूंगी कस्टर्ड घोलने के लिए। और मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, कस्टर्ड लूंगी मैं 2 से 3 चम्मच। और ये यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया था कस्टर्ड पाउडर, इसको मैं घोलूंगी बहुत अच्छी तरह से जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, नहीं तो ये दूध में डालूंगी तो दूध में भी गांठे पड़ जाएंगी। और ये देखिए घुल गया बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए दूध भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, गर्म क्या उबल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। पकाएंगे चीनी घुलने तक। चीनी हमारी घुल चुकी है, अब इसमें डालूंगी मैं धीरे धीरे कस्टर्ड। और इसे लगातार चलाएंगे।
कस्टर्ड को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। अरे देखिए कस्टर्ड हो गया बनके तैयार। बस अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको होने दूंगी ठंडा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। कस्टर्ड हो चुका है ठंडा। अब इसमें मिलाएंगे हम अपनी मैंगो प्योरी। और इसको चलाएंगे धीरे धीरे ताकि ये बहुत अच्छी तरह कस्टर्ड में मिक्स हो जाए। प्योरी कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छी तरह हो गई है मिक्स। अब इसमें डालेंगे अपनी सेवई। और ये देखिए, और ये देखिए सेवई भी बहुत अच्छी तरह से इसमें हो गई है मिक्स। चलिए तो अब इसको निकालते हैं अपने बाउल में। सेवई कस्टर्ड को मैंने बाउल में निकाल लिया है और ये देखिए इसमें डालूंगी मैं सब्जा के बीज जो कि मैंने 1 घंटे 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिए थे। साथ ही इसमें डालूंगी मैं अपना कटा हुआ आम जो कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और फाइनली गार्निशिंग करेंगे अपने कटे हुए बादाम से। ये देखिए हमारा मैंगो सेवई कस्टर्ड बनके हो गया तैयार।
तो हमारी मैंगो सेवई कस्टर्ड की रेसिपी बनके होती है कंप्लीट। तो आप भी इन गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो सेवई कस्टर्ड ज़रूर इन्जॉय कीजिए। और आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अच्छी सी एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।